फाइनली हम पहुंच गए हैं मंडी और आज हम करेंगे यहाँ पे स्टे, क्योंकि 6 बज चुके हैं और अभी हाईवे काफ़ी ज़्यादा जाम था। आज हाईवे पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और हमने अभी रूम लिया है। और ये रहा होटल का व्यू, होटल के सामने ये रही लेक, वो रही सिटी सारी, और वहाँ पे है मेन मार्केट। देन हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे, देखते हैं मंडी कैसी है और क्या क्या है यहाँ पे। फ़िलहाल हमने लिया है रूम, ये रूम छोटा ही है बट हमारे हिसाब से चल जाएगा। ये रहा शुजाइल, आरिश, मम्मी पापा, सब इसी रूम में हम शिफ्ट हो जाएंगे। हमने एक फैमिली शूट लिया है और बाहर का व्यू देख के रूम लिया है, क्योंकि आसपास ऐसा व्यू नहीं मिल रहा था। और अभी हमने सब ने खाना खा के रेस्ट किया थोड़ा सा, अब शाम के 6 बज रहे हैं और हम बाहर जा रहे हैं घूमने कि मंडी के आसपास क्या चीज़ें हैं और कैसी है। तो अभी हमने जो क्या क्या है आसपास, टेंपल है कहाँ पे, आगे टेंपल बताए हैं और मेन बाज़ार है। मेन बाज़ार के जाकर कितनी दूर, 2 किलोमीटर होगा समथिंग। अच्छा, टेंपल कौन सा है? टेंपल का नाम तो बताया था उन्होंने मगर मैं कुछ डिफिकल्ट सा नाम है, मैं भूल गया। चल, कितनी दूर है टेंपल? 2 किलोमीटर समथिंग। किस साइड से? हाँ, इस साइड से ही। और माल रोड कितनी दूर है? माल रोड नहीं है, यहाँ पे मेन बाज़ार है। मेन बाज़ार है? अच्छा, तो मंडी में टेंपल से हम मेन बाज़ार पर निकल जाएंगे, देखते हैं कितना दूर होता है, अभी चलते हैं। चलो फिर चलते हैं, कैसे भी होगा बताऊँगा आपको। फ्रेश फ्रेश से लग रहा है, सुबह आने के बाद तो बहुत बढ़िया था सबकी फ्रेश चले। टेंपल का तो नहीं पता बट हम अभी जा रहे हैं मेन मार्केट में, जो कि कोई मेरे हमारे होटल से 2 किलोमीटर दूर है, बाय वॉक है। और साइड में ही रिवर चल रही है और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पूरी होटल्स वगैरह बने हुए हैं। ये रही मंडी सिटी और ये देखने में बहुत अच्छी लग रही है। ये दूसरी साइड है, आगे से एक ब्रिज आएगा, ब्रिज क्रॉस करके हमें वहाँ पहुँचना है। ये बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल आई थिंक ये टेंपल है। हम अभी नीचे जाके देखते हैं ये है क्या चीज़। और ये व्यू है, ये गार्डन हो गया। ये टेंपल के चारों तरफ मार्केट है, नीचे भी ऊपर भी, जैसे बेसमेंट मार्केट जाके दिखाएंगे। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? तुम सही भाई से पूछते हैं, मैं आपको थकान तो नहीं हुई चलते हुए? अरे पैर दर्द हो गए। हैं? पैर दर्द हो गए, वजन ज़्यादा आ गया। हाँ तो आप इतने भारी हो चुके हो ना, 10 बार तो कहा वेट लूज़ कर लो। वेट लूज़ आज भाई, आप बताओ कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, सही है, आना चाहिए यहाँ टूरिस्ट को, एक बार ट्राई कर लो। जाते जाना चाहिए, ऐसे कॉम्प्लेक्स है, 2 फ्लोर का कॉम्प्लेक्स है या अंडरग्राउंड टाइप में, ऐसे आप आना चाहिए आपको यहाँ पे। बीच का टेंपल है, हम अभी यहाँ पे जाते हैं, अभी दिखाते हैं आपको। बट मेरा मानना है कि अगर आप कभी मनाली जाएं तो एक बार स्टे करें, अच्छा है। छोटा मुझे मतलब छोटा सा है बहुत, और ब्यूटीफुल ज़्यादा है। और पता है यहाँ के लोग क्या कहते हैं, ये मनाली वाले क्या कहते हैं, ये बोलते हैं कम एज ए टूरिस्ट लीव एज ए फ्रेंड। कितनी पॉइंट की बात बोलते हैं ये, देखो कम एज ए टूरिस्ट लीव एज ए फ्रेंड। बाकी अभी हम थोड़ी बहुत देर में निकलेंगे यहाँ से, और आज तो हम यहीं पे स्टे करेंगे क्योंकि हम काफ़ी थक गए थे सुबह। फिर कल हम मनाली के लिए निकलेंगे, और मनाली के बाद इफ अगर रोहतांग खुला हुआ हम रोहतांग भी जाएंगे। और सुनो, कौन सी वैली है वो? सोलांग वैली जाएंगे, एंड देन लास्ट में हम अटल टनल जाएंगे। उसके बाद हम वापसी में शिमला से होते हुए फिर घर निकलेंगे। तो
अभी तक तो हम यही है, आज पूरा दिन ट्रैवलिंग में चला गया। हम सुबह निकले थे कोई 6 बजे और अभी भी 6:30 बज गए। तो चल नीचे चलते हैं, टेंपल दिखाते हैं। मेरा टेंपल गेट बंद है, वो अच्छी लग रही है। इसको सामने क्या है, ये पूरी गोल मार्केट है। कितने फोटो खींचे? ओए कितने फोटो खींच लिए? बहुत सारे हैं। सबके थक गया? अब सब थक गए, बहुत ज़्यादा रेस्ट कर रहे हैं। व्यू अच्छा आ रहा है रूम के बाहर से। मैं दिखा फोटो दिखा रहा था आपका, फोटो अच्छा आया था। अच्छा नहीं, बस रहा। सुबह हम निकलेंगे यहाँ से, पहले कुल्लू जाएंगे, प्लान चेंज हो जाएगा। पहले कुल्लू रुकेंगे कुछ शायद 2-3 घंटे के लिए, उसके बाद सीधा मनाली, और मनाली में फिर हम शायद हम रोहतांग जाएँ। हैं रोहतांग ना, मनाली से रोहतांग, सोलांग फिर रोहतांग। तो हम सुबह यहाँ से फिर अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे 6 बजे, और यहाँ से कुछ मंडी से 106 किलोमीटर रह गया मनाली, और क्या कहते हैं 65 किलोमीटर कुल्लू रह गया। तो देखते हैं सुबह को कितनी जल्दी निकला जाता है। हर बार यही बोलते हैं कि निकलेंगे टाइम से, बट लेट हो जाता है। तो मैं अभी फ़िलहाल आपको रात का व्यू दिखाता हूँ। रात हो चुकी है ज़्यादा, और यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा रहा फिलहाल। ये रहा है सारा नाइट व्यू, ये पूरी पूरे पहाड़ पे घर और होटल्स हैं। कितना अच्छा लग रहा है रात को, देखिए। और पानी की आवाज़ आप सुन पा रहे हैं या नहीं मुझे नहीं पता, बट बहुत अच्छी आ रही है पानी की आवाज़ भी इस टाइम। पापा हम बाहर बैठे हैं, गपशप कर रहे हैं और व्यू का मज़ा ले रहे हैं। तो चलिए, गुड नाइट।